ओके, सो ये जो हमारा फाइनल पेज है ये बैकएंड से बन के आ रहा है। अगर डेटा, अब इस पेज में डेटा बैकएंड में बन के आ रहा है, तो दैट मीन्स अगर मैं सपोज कोई दूसरे प्रकार पे जाऊँ, लेट से दिस वन, तो फिर से मेरा डेटा क्या होगा, बैकएंड से बन के आएगा। ठीक है, इफ आई चूज दिस कार, तो फिर से मेरा डेटा बैकएंड से बन के आ रहा है। तो मेरा हर पेज का डेटा बैकएंड से बन के आता है, लेकिन जब डेटा बैकएंड से बन के आता है तो उसमें एक प्रॉब्लम है, वो तो आपके सोर्स कोड में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग मॉडर्न एप्स एंगुलर रिएक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑल पेज। ऑल पेज में आप कंट्रोल शिफ्ट आर करोगे तो देखना इसमें आपका टेम्पलेट पहले आता है और डेटा बाद में आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? सी कंट्रोल शिफ्ट आर, इसमें टेम्पलेट पहले चल रहा है और डेटा बाद में आ रहा है, तो फिर डेटा कैसे चल रहा होगा यहाँ पे, मीन्स ये डेटा कैसे आ रहा होगा? तो बाकी पेज, मतलब इस पेज में बाकी पेजेस में क्या फर्क है? इसका सोर्स कोड में देर इज नो डेटा। सी ये स्टैटिक कंट्रोल्स हैं, ये डायनेमिक कंट्रोल्स हैं, ये मैंने एंगुलर जेएस से लगा रखे हैं, तो दिस इज अ स्टैटिक टीआर, बट ये स्टैटिक टीआर है। रन टाइम पे एंगुलर का एनजी रिपीट यहाँ पे, एंड यहाँ पे आई एम यूजिंग एजेक्स कॉल थ्रू एंगुलर या एंगुलर जेएस या फिर रिएक्ट के थ्रू। आप क्या कर रहे हो, डेटा को एजेक्स कॉल से यूज करोगे। बेनिफिट क्या है, अगर ये पेज बिना एंगुलर के यूज करते तो आप इसके डेटा को क्लाइंट एंड पे सॉर्ट वगैरह नहीं कर सकते थे या चेंज नहीं कर सकते थे। ओके, तो पूरा का पूरा डेटा पहले जावा सेट में जेसन के थ्रू आएगा एज अ थ्रू सम एपीआई, उसके बाद हम उस डेटा को क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन में बाइंड करेंगे, तो ये डेटा उसके बाद टेबल बन के, तो दिस विल फॉलो एन आर्किटेक्चर जिसे हम IMVC भी कहते हैं। ठीक है, सो वी कैन सॉर्ट एनी डेटा, जैसे कि ये है मेरी एक्सेलरेशन, दीज आर नेम्स, तो मैंने यहाँ पे इस वे में डेटा बना रखा है। इन दोनों में फास्टर वे एक्चुअल में कौन सा होगा? दोनों में फास्टर वे, मतलब जब डेटा बैकएंड से पेज कंप्लीट बन के रेंडर होता है या फिर जब हम लोग क्लाइंट में एजेक्स के थ्रू कॉल करके डेटा लाते हैं। सर्वर से क्लाइंट, जो जब सर्वर से, सर्वर रहेगा वो जल्दी आएगा, राइट? मतलब वो सब पूरा बन के आएगा, बट सर्वर को टाइम भी तो लगेगा ना उस पेज को बनाने में। सर जो क्लाइंट एजेक्स के थ्रू। क्लाइंट एजेक्स के थ्रू होंगे एक्चुअल में ज्यादा बेटर है। रीजन, जब भी हमने कार्स का डेटा लाया वो एक बार एपीआई के थ्रू आ गया, और थ्रू एजेक्स, और एजेक्स की रिक्वेस्ट कैसे कॉल करती है, असिंक्रोनस। ठीक है, जबकि तो सर्वर से रिक्वेस्ट गई और डेटा आया, डेटा आपके बैकएंड सर्वर से एप्लीकेशन सर्वर पे आया, और एप्लीकेशन सर्वर ने क्या किया, एपीआई के थ्रू उसको फ्रंट एंड भेज दिया। अब फ्रंट एंड ने उसको सॉर्ट करके, जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्राइस वाइज सॉर्ट करके, या इंजन के प्राइस या नंबर ऑफ सिलेंडर या फिर टर्बो वाइज सॉर्ट करके दिखा दिया। हम क्लिक कर रहे हैं क्योंकि डेटा जावा सेट में है, वो पहले क्या होगा, यहीं पे उसको सॉर्ट कर देगा। सी ठीक है, तो ओवरऑल ये बेटर है। प्लस जितनी बार हम क्लिक कर रहे हैं, क्या ये पेज रिफ्रेश हो रहा है? नो नो, क्यों? क्योंकि डेटा जावा सेट में है। ठीक है, अगर डेटा सर्वर से बन के आ रहा था टेम्पलेट के थ्रू, फिर क्या होता, पूरा रेंडर होता और पूरा कहीं आता, मतलब ई-कॉमर्स ऊपर। साइट पे आज भी ऐसा होता है। जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले क्रोमा की साइट देख रहा था, आई थिंक, तो मैंने लेफ्ट पे सॉर्ट का हल्का सा चेंज किया और मुझे उसके बाद 4 से 5 सेकंड वेट करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो पूरे के पूरे पेज को फिर से रेंडर करेगा। ठीक है, तो ये मॉडर्न फ्रेमवर्क का हमारा एडवांटेज है इफ यू आर यूजिंग। सो टेम्पलेट इंजन के थ्रू बेसिकली हम लोग अपने एचटीएमएल के कंटेंट को में डायनेमिक डेटा बाइंड करके उसको फाइनली रेंडर करेंगे सर्वर पे। जैसे कि ये हमारी ऐप है, अब लोग इसके अलग अलग पेजेस बना सकते हैं। सो फॉर दैट सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोई एक पॉपुलर टेम्पलेट इंजन जो कि स्टैटिक फाइल को सर्वर के साथ बाइंड करेगा एक्सप्रेस के, और फिर आपका फाइनल पेज रेंडर करेगा। तो सपोज आपके डेटाबेस में 10 प्रोडक्ट हैं, तो आप प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल को उसे बाइंड कर दो, तो एक्चुअल में आपके 10 प्रोडक्ट के पेजेस बन जाएंगे। ठीक है, जिनको आप राउट कर सकते हो। सी तो नोड एक्सप्रेस के साथ बहुत सारे पॉपुलर टेम्पलेट इंजन्स हैं। वी हैव EJS जो कि हम करेंगे, मुस्टैश, नंजक्स भी हम करेंगे, एंड तो दो हम लोग करेंगे, दैट इज EJS एंड नंजक्स। देन मुस्टैश है हमारे पास, एंड देन वी हैव पग जो कि अर्लियर जेड के नाम से भी होता था। ठीक है, तो ये चार हमारे पॉपुलर टेम्पलेट इंजन्स हैं। EJS जावास्क्रिप्ट की जैसे कोडिंग में काम करता है, तो इसको एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, इसके टोटल 66 वर्जन थे, ये ऑलमोस्ट सबसे पुराना भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अर्लियर यूज़ हुआ था वो था पग, क्योंकि इसका पुराना नाम जेड था, और ये मीन्स सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था किसी टाइम पे। सी आज भी सबसे ज़्यादा गिटहब स्टार्स किसके हैं, पग के हैं, जिसका तो पग का जो पुराना नेम था दैट वॉज जेड।
ठीक है। सो इनकी डेट ऑफ क्रिएशन कब आए थे, टोटल वर्जन किसमें कितने बने हैं, डिपेंडेंसीज कितनी है, ईजीएस की 0 है, इसकी 0 है, बाकी डिपेंडेंसी थोड़ी से ज़्यादा है, नंजेक्स की 4 है। वीकली डाउनलोड, सो सबसे ज़्यादा डाउनलोड ईजीएस होता है वीकली इस समय के, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मेंटेनर्स कितने हैं, गिटहब स्टार्स कितने कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टार्स है पग के 19,000 समथिंग, और सबसे कम है ईजीएस के। फिर गिटहब के फोक्स सबसे ज़्यादा किस पे है, पैकेजेस साइज कितना है इनका, तो सी पग इज इवन स्मॉलर, ये केबीज का है सबसे कम, नंजक्स दिखा रहा है ऐसे यहाँ पे, एक सेकेंड, नंजक्स इतना कम कैसे हो गया, अनपैकेज जो है वो 1.7 MB है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू, 1.7 MB है, और हमारा कितना आ रहा है, ओके यहाँ पे मैंने KB लिख दिया एक्चुअल में, सो ये एक्चुअल में हैवी है थोड़ा सा, ओके सो टाइप ऑफ मिस्टेक है हमारे पास, सो दिस इज, सो वी कैन चूज एनी टेम्पलेट इंजन और अपने पे लेआउट में उसे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, सो वी कैन इंस्टॉल एनी टेम्पलेट इंजन और उसके बेसिस पे हम अपने टेम्पलेट्स में कंटेंट को यूज कर सकते हैं। सो इंस्टॉल एनी टेम्पलेट इंजन आपको लिखना पड़ेगा npm i देन आपका टेम्पलेट इंजन का नेम, जैसे ईजीएस का ईजीएस है, नंजक्स का नंजक्स, मुस्टैश एंड पग का पग है, तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्पलेट इंजन का यूज करके काम कर सकते हो। हर टेम्पलेट इंजन के फीचर्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं, परफॉर्मेंस वाइज और सपोर्ट अलग अलग होती है, सो यू कैन यूज एनी इंजन टू बिल्ड। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जैसे कि अगर आपको यूज़ करना है EJS, तो EJS को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी नीड टू इंस्टॉल EJS, देन ऐप डॉट सेट, ये इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग है, तो ऐप डॉट सेट देना पड़ेगा कि मेरा व्यू इंजन कौन सा है, EJS, देन मुझे पाथ सेट करना पड़ेगा कि ऐप डॉट सेट व्यूज़ की डायरेक्टरी का पाथ वो कहाँ पे है, देन एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक देना पड़ेगा, एंड देन रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर में अपने पेज का नाम, व्यू के इंडेक्स, और उसमें क्या क्या कंटेंट मुझे इंसर्ट करना है। दिस इज द सेकेंड थिंग अबाउट ये नंजेक्स की कॉन्फ़िगरेशन से, तो चलो सबसे पहले कौन सा यूज करना है इसमें, ईजीएस करना है, EGS टेम्पलेट करना है, यहाँ पे दोनों, ऑल द मैन प्रोफेशनली नंजेक्स को ज्यादा यूज करता हूँ, तो npm आया ईजीएस से, हम लोग ईजीएस को इंस्टॉल कर लेंगे, तो द पैकेज डॉट जेसन फाइल हमारा ईजीएस इंस्टॉल हो चुका है, नाउ हमें इसको कंट्री करना है, ये हमने एडमिन किस लिए बनाया था, अच्छा राउट्स के लिए ना, ओके const ejs is equal to require ejs, ठीक है, तो ejs को इंक्लूड किया, एंड देन हमें इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपना व्यू इंजन बताना पड़ेगा कि ऐप का व्यू इंजन कौन सा होगा, ejs, तो सेट योर व्यू इंजन, जैसे कि यहाँ पे, तो मेरी ऐप का व्यू इंजन कौन सा है, ejs, एंड देन ऐप डॉट सेट, ऐप डॉट सेट में दोबारा हमें क्या देना पड़ेगा, व्यूज, तो व्यूज का पाथ देना पड़ेगा कि अपनी व्यूज की डायरेक्टरी कहाँ पे है, तो व्यू हम कौन से पेजेस को बोलते हैं, व्यू में हम कौन से पेजेस को बोलते हैं जो हमारे स्टैटिक रिसोर्स होते हैं, मतलब एचटीएमएल की फाइल्स कहाँ हैं, सो हमारी एचटीएमएल फाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं, विद इन पब्लिक, तो दिस इज माई पब्लिक जिसका पाथ क्या है, डायरेक्टरी नेम src का स्लैश पब्लिक, ओके तो ये हमने सेट कर दिया, एक्सप्रेस डॉट यूज स्टैटिक दे दिया, src का पब्लिक, ठीक है, तो ये मेरा पाथ डॉट ज्वाइन, ओके अब हम लोग आते हैं अपने टेम्पलेट पे, इसमें रिस्पॉन्स डॉट पेज को डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज करेंगे, रेंडर, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर आएगा, और रेंडर में सबसे पहले आपके पेज का नाम, जो डॉट ईजीएस की फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन ही डॉट ईजीएस होता है, ईजीएस की पेज में इंडेक्स फाइल का नाम क्या होगा, इंडेक्स डॉट ईजीएस, तो इन शॉर्ट इसमें मुझे ये भी करना पड़ेगा, डॉट ईजीएस एक्सटेंशन देना पड़ेगा, ओके सो स्टैटिक फाइल्स को चेंज करके एक्सटेंशन चेंज कर दो,
तो यहाँ पे आप अपने इंडेक्स का पाथ दे दो और उसमें जो डेटा सेंड करना है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है? तो इंडेक्स होगा मेरा पेज, ठीक है? और जो डेटा उसको ट्रांसफर करना है, मतलब जो डेटा उसमें बाइंड होगा वो यहाँ पे चला जाएगा। पहले देखते हैं ये वर्क कर रहा है। पाथ इज नॉट डिफाइंड, वाई? अच्छा, पाथ मॉड्यूल नहीं है क्या? फेल टू लुकअप व्यू इंडेक्स इन व्यूज डायरेक्टरी, ओके? नो टू SRC के अंदर एक और SRC। इन सेकेंड, हमने रिजॉल्व नहीं किया क्या पाथ को? पाथ डॉट जॉइन, ओके, ओनली पब्लिक, ठीक है? तो सी, हमने पाथ डॉट ज्वाइन किया पब्लिक को, तो SRC के साथ हमने पब्लिक को ज्वाइन कर दिया एंड नाउ इट्स वर्किंग। तो ये मेरा पेज है जिसमें हमने ऑलरेडी पहले से कस्टमर पेज बना रखा था इंडेक्स डॉट EJS के नाम से, ठीक है? तो ये मेरा, इसमें हेलो EJS लिख देते हैं हम लोग, तो हेलो EJS आपका डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन ये काम तो पहले भी कर रहे थे ना, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें डेटा बाइंड कर सकते हो। सो हाउ टू बाइंड डेटा इन दिस पेज, इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसके टेम्पलेट्स का। तो इसके टेम्पलेट्स कैसे यूज होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे ऑन द नेक्स्ट पेज। EJS के पेज पे इसके टेम्पलेट्स दे रखे हैं, ठीक है? ये इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले ये इसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा अलग यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारा जो मीन्स, मैंने SRC में व्यूज के अंदर स्टैटिक फाइल डाल रखी है और assets के अंदर मेरे CSS होंगी। तो दिस इज इनसाइड माई SRC, सर्वर मेरे SRC के अंदर है, ओके? हमने यहाँ पे आई थिंक गलती कर रखी है, मैंने यहाँ पे पब्लिक नहीं ले रखा। वन सेकेंड, स्टैटिक, क्योंकि सर आपने वहां पे व्यूज दिया ना, तो वन सेकेंड, बट व्यूज स्टैटिक फाइल के लिए ना, स्टैटिक रिसोर्स तो मेरे एसेट्स भी हैं और व्यूज भी हैं। SRC को स्टैटिक नहीं कर सकते ना हम लोग एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक का यूज करके। वन सेकेंड, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक क्या दे रखा है मैंने? एसेट्स, एसेट दे रखा है, तो इसको स्टैटिक ले रहा है। अच्छा ठीक है, इसका व्यू डायरेक्टरी अलग है, ओके, नो इशू। सो हमने क्या किया, इसमें डेटा बाइंड किया ट्रांसफर। जैसे हमें सपोज कुछ डेटा भेजना हो यहाँ से, तो मैंने इसमें एक ऑब्जेक्ट में डेटा भेजा, और इसमें डेटा को बाइंड करने के लिए हमारे टेम्पलेट कौन से यूज होते हैं? लेस देन मॉडुलस इक्वल टू, देन द नेम, देन मॉडुलस ग्रेटर देन से उसको क्लोज करके। तो इस टाइप से आप इसमें डेटा बाइंड कर सकते हो। जैसे ये सपोज मेरा डेटा है, एंड डेटा बाइंड कहाँ करना था मुझे? इंडेक्स डॉट EJS के पी में। दिस इज द पी जिसमें नेम एंड आईडी आएगा। अब नेम एंड आईडी कहाँ से आएगा? फ्रॉम द टेम्पलेट। तो हमारा टेम्पलेट कहाँ डिफाइंड है? इंडेक्स पेज, ये रहा। तो यहाँ पे दो की डिफाइन करनी है, फर्स्ट नेम मैंने कहा दिस, एंड सेकंड उस की आईडी जो हमें ट्रांसफर करनी थी। तो मैंने आईडी की 212। जब ये पेज प्रॉपर डिस्प्ले होगा तो इसमें नेम इज दिस एंड आईडी इज दिस आपका ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग विद EJS। तो EJS क्या कर रहा है, हमारे फाइनल पेज में डेटा को पहले बाइंड कर रहा है, मतलब आपका स्टैटिक यूआरएल पेज बनाता है, उसके बाद क्लाइंट पे आके ब्राउजर पे वो रेंडर हो जाएगा आपका। तो हमने टेम्पलेट उठाया और हमने डेटा उठाया और उसको मर्ज करके, कंबाइन करके टेम्पलेट इंजन ने एक फाइनल पेज रेंडर कर दिया आपका, ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं इसके टेम्पलेट्स। तो ये इसके टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं जो जिसमें हम डेटा बाइंड करते हैं इसके, ठीक है? सो दीज आर माई टेम्पलेट्स, लेस देन मोर परसेंटेज इक्वल टू, और जो नॉन्जेक्स है उसमें हम लोग डबल कर्ली ब्रैकेट, जो कि एंगुलर JS और एंगुलर में भी होते हैं, वही यूज़ करते हैं। तो फाइनली हमने रिस्पॉन्स डॉट रेंडर हिट किया अपने राउट पे, तो वो मुझे इस टाइप का पेज रेंडर करेगा। वी कैन इवन यूज कंडीशन इन दिस, जैसे कि मैंने इफ लगाया कि अगर यूजर है तो उसका नेम और आईडी आएगा, एल्स नहीं आएगा, ठीक है? तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं इफ का, जैसे कि तो यहाँ पे नेम है, आईडी है और यूजर है। तो अगर यूजर हो तो उसका नेम ABC स्ट्रिंग एज 22 प्रिंट कर देना। तो अगर, तो यहाँ से हमारे तीन डेटा जा रहे हैं, नेम, आईडी एंड यूजर। बट अगर यूजर अवेलेबल होगा तभी। तो हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे,
लेस देन मॉडुलस, लेस देन मॉडुलस में क्या आएगा आपका एफ, असाइन नहीं करना ठीक है, और देन मॉडुलस तो एक यहाँ पे भी एक और मिस्टेक है, ग्रेटर देन नहीं ठीक है, इफ का है ना ये ठीक है। ये ध्यान रखना कि आप किसी जिस भी पर्टिकुलर उसके साथ टेम्परेट इंजन के साथ कंफर्टेबल होंगे, मींस कंफर्टेबल होंगे, आपको उसी का सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा ठीक है। जैसे कि मैं नंजक से साथ ज़्यादा कंपेटेबल हूँ तो उसके साथ मेरा काम होता है। इफ लगाया, अगर यूजर है तो नेम एंड आईडी को प्रिंट कर देना। आई थिंक नेम के बाद आईडी नहीं था, यूजर का डॉट एज था। तो इफ वी हैव यूजर, उसका डेटा प्रिंट हो जाएगा, और ये डेटा किसमें प्रिंट हो, जैसे ये बी पी में हो ठीक है। सो वी गॉट नेम एंड एज किसमें, इन साइड अ पैराग्राफ, बट हमने ये यूजर भेजा था। अगर यूजर नहीं, यूजर टू है तब पैराग्राफ आएगा, यूजर टू इफ यूजर, ओके इफ मैच नहीं हुआ हमारा तो इसने एरर थ्रो कर दिया, यूजर इज नॉट डिफाइंड ओके ठीक है। तो सी बट इसमें पेज भी रेंडर नहीं हो रहा ना, तो इसमें फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें एल्स का यूज करना पड़ेगा। तो अगर यूजर होगा तो प्रिंट करेगा, मतलब ये कंडीशन लगा के चेक कर रहा है, सी आपका पेज रेंडर हो जाएगा ठीक है। तो इसमें आप एल्स का भी यूज कर सकते हो, इनके ऑफिशियल साइट का वो देख के। इंक्लूड का काम क्या होता है इसमें, अगर मुझे एक स्टैटिक पेज में हेडर, नैव, कंटेनर, अलग अलग कंटेंट्स को बाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे इजी रिसोर्स क्या होता है कि हम इन फाइल्स को अलग अलग बनाएं। जैसे पब्लिक में हमने बनाया हेडर डॉट ई जे एस ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है हेडर, तो हेडर में मेरे पास है एच वन हेलो ई जे एस ठीक है। तो ये मेरा कौन सा पेज है, हेडर का। इसके बाद मैंने एक और फाइल बनाई इन द सेम डायरेक्टरी जिसका नाम है फुटर डॉट ई जे एस, इसमें मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये मेरा फुटर है, तो मेरे पास एक हेडर है, एक फुटर है, एंड लेट्स से वी हैव वन नैव ठीक है। तो नैव में वी हैव अ लिस्ट अन ऑर्डर विद एल आई एंड विद सम हाइपरलिंक्स, तो नॉर्मली स्टैटिक साइट में क्या होता है कि हमें चेंज हर पेज पे जाके करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वी ओनली नीड टू इंक्लूड दिस, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा हमें अपने इंडेक्स में। तो इंडेक्स में हम हाइफन लगा के इंक्लूड का यूज़ करेंगे, तो दिस शुड इंक्लूड हेडर डॉट एच टी एम एल, कहाँ पे आप यहाँ पे यूज़ करो हेडर का। फिर हेडर के जस्ट बाद द नेक्स्ट लाइन यूज़ करो एन ए बी का ठीक है। ये मेरा मेन है जिसमें मेन कंटेंट आ रहा है, तो यहां पे हेडर आएगा, देन यहां नैव आएगा, और मेन के बाद क्या आएगा मेरा फुटर। ना पेज को रन करो, सी हमारा हेडर भी आ रहा है, हमारा नैव भी आ रहा है, और हमारे पास फुटर भी आ रहा है ठीक है। सो जो आपकी कॉमन सी एस एस की फाइल होगी वो आप सबके साथ लिंक कर सकते हो, तो वे इसमें सी एस एस अच्छा, वी आर यूजिंग बूटस्ट्रैप ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया हेडर ठीक है। तो हेडर को बाइंड करने के लिए वी कैन यूज हेडर एलिमेंट, जैसे ये
HTML5 का हेडर एलिमेंट उसमें बाइंड हो, ये HTML5 का NA भी उसमें बाइंड हो, और देन हमारा मेन कहाँ गया? दिस इज मेन, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड मेन यहाँ एंड, और ये कंटेंट फुटर में बाइंड होगा। सो यू कैन इंस्पेक्ट योर पेज, सी दिस इज द कंटेनर जिसमें ये हेडर है, हेडर का कंटेंट सर्वर से आया, दिस इज नया, ठीक है, और ये मेरा मेन है एंड दिस इज माय फुटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग पाथ बने हुए हैं डायरेक्टरीज के। अब ठीक है, तो हमारे जो ओवरऑल हमारा टेम्पलेट है वो कितने पेजेस से बन के बन रहा है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ओवरऑल जो हमारा टेम्पलेट है वो कैसे बन रहा है, फर्स्ट वो किसको गेट करेगा? हेडर को, मतलब इंडेक्स ऑफ ईजीएक्स, इंडेक्स ऑफ ईजीएक्स से रिक्वेस्ट करेगा हेडर को, नैप को, फुटर को, और तीनों को कंबाइन करके फाइनली हमारा फाइनल पेज इंडेक्स में रेंडर होगा, उसके बाद वो क्लाइंट एंड पे आएगा। तो जो हमें फाइनल पेज रेंडर हो रहा है इट्स कम्प्लीटली डायनामिक, सी उसमें हेडर आएगा और हेडर में H1 है, नैब आएगा, नैब में यूएल है, ओके। तो वी कैन इंक्लूड दिस, वी कैन यूज फॉर ईच लूप, तो फॉर ईच लूप कहाँ यूज करेंगे, किस टाइप के डेटा के लिए? इफ यू गॉट अरे यार, मतलब अरे यहाँ क्या, अरे के लिए, सॉरी सर। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, ओके, दिस इज नॉट फॉर इन लूप, फॉर इन लूप दोनों के लिए होता है, फॉर इच इज ओनली फॉर अरे लिस्ट, फॉर ईच अरे अरे तो फॉर इच ओनली फॉर अरे लिस्ट, तो अरे लिस्ट के लिए हमारे पास क्या होगा? फॉर इच, जैसे कि लेट्स से इन द सर्वर हम लोग यहाँ से सेंड करते हैं डेटा, वी गॉट यूजर, यूजर के बाद मैंने कहा मंथ इज एन अरे जिसमें जैन है, फेब है एंड मार्च है, ठीक है। तो ये मेरे तीन डेटा हैं, तो मंथ में मेरे पास जैन, फेब एंड मार्च डेटा है, तो मंथ का डेटा टाइप क्या है मेरा? अरे, तो अरे को प्रिंट करते हैं हम लोग इन, कहाँ है मेरा इंडेक्स, ओके मेन में, तो यहाँ पे हमने कहा ओवल एल आई, और एल आई में क्या बाइंड करना है? नहीं, इक्वल टू आएगा इसमें, तो यहाँ पे क्या डेटा बाइंड करो हमारा, नहीं सॉरी, इक्वल टू में इसमें आएगा हमारा मंथ, मंथ क्या है हमारा? अरे, अगर हम सर्वर से अरे भेजेंगे तो अरे का डेटा कैसे आता है? तो अरे का डेटा कैसे आएगा हमारा? कॉमा, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में आता है, ठीक है, तो कॉमा सेपरेशन से वो डेटा आएगा, बट क्या ये डेटा ऐसे आना चाहिए? तो नहीं फिर कैसे आना चाहिए? लगा के सेपरेट सेपरेट सो वी शुड लिस्ट के लिंक अकॉर्डिंग। इट सो दैट ये लिस्ट एस मल्टीपल आए, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे एंड वी विल यूज अ लूप, तो लूप कौन सा होगा मेरा? फॉर ईच, तो हम फॉर ईच यूज करेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये इसका वे है, तो हमने यूज किया मंथ डॉट फॉर ईच, उसमें एक फंक्शन कॉल बैक, ठीक है, जिसमें नेम यू कैन यूज एरो, और इसमें क्या बाइंड कर दिया हमने, जो आर्गुमेंट है, जैसे कि यहाँ नेम दे रखा है, मैंने यहाँ पे आई दे दिया, जो हमारा फाइनल टेम्पलेट रेंडर होगा उसमें क्या होगा, ये तीन रेंज बना के दे देगा मुझे, सो इवन यू कैन ऐड मोर डेटा, तो ये डायनामिक है, ऑटोमेटिकली चलता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ हमारे टेम्पलेट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, सी। तो एक्चुअली में इसमें हम लोग कोई भी डेटा यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज, वी कैन थ्रो स्ट्रिंग, वी कैन थ्रो नंबर, और वी कैन यूज अरे और ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैशिंग, EJS में कैश फीचर भी होता है, मीन जो आपका फाइनल टेम्पलेट है वो सर्वर पे कैश होके भी यूज हो सकता है, ठीक है, तो आप अपने सर्वर पे डेटा को कैश कर सकते हो। कैश करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वी नीड टू इंस्टॉल LRU इन EJS, तो LRU की लाइब्रेरी इसमें इंक्लूड होती है, जैसे कि कॉन्स LRU इज इक्वल टू रिक्वायर LRU कैश, पहले आप इसको NPM से इंस्टॉल कर लेना,
तो दिस इज फॉर द कैश फीचर्स। जब हम इसमें कैश सेट करेंगे तो वी नीड टू सेट द वैल्यू, जैसे हमने कहा न्यू इंस्टेंस ऑफ एल आर यू विद 100, दिस मीन्स एल आर यू कैश विद कितना 100 आइटम लिमिट। तो 100 आइटम के मतलब जो स्टैटिक हमारे रिसोर्सेज होंगे उनके डेटा को सर्वर पे क्या हो जाएगा, ये कैश करके चलेगा। अगर हमारे टेम्पलेट के रिसोर्सेज सर्वर पे कैश हो जाते हैं तो जितनी देर तक वो कैश पे रहेंगे उतनी देर तक हमारा जो टेम्पलेट होगा वो फास्ट रेंडर होगा। तो दिस इज फॉर द परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट, ठीक है। और इसको रिमूव करने के लिए वी कैन यूज ईजीएस डॉट क्लियर कैश या फिर न्यू इंस्टेंस ऑफ एल आर यू उसको 300 देके। तो दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद द फर्स्ट टेम्पलेट इवेंट दैट इज ईजेएस एंड द सेकंड वन इज नंजक्स। नंजक्स इज डेवलप्ड बाय मोजिला, तो ये मोजिला का अपना है एंड इसको जो मेंटेन करता है दैट इज नोड जेएस फाउंडेशन। तो ऑफिशियली इसको नोड जेएस फाउंडेशन ही यूज करती है। इस साथ काम करने में थोड़ा सा इजी, इसलिए मैं इससे ज़्यादा फैमिलियर क्यों हूँ क्योंकि हम इसमें जो जैसे एंगुलर जेएस का सिंटैक्स होता है ना वैसा ही सिंटैक्स हमें इसमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। एक पेज में नॉर्मली हम लोग एक ही टेम्पलेट यूज़ करते हैं, वी कांट यूज़ टू टेम्पलेट इंजन क्योंकि पर्पज तो सबका एक ही है, ठीक है। सो इट्स मोर फीचर रिच विद मोर फीचर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अपनी ऐप से इसको रिमूव करना पड़ेगा। सो वी कैन डू वन थिंग, हम लोग ईजीएस की फाइल को ऐसे ही रहने देते हैं इन द डायरेक्टरी, ओके। तो हम इसको एक डायरेक्टरी में डाल देते हैं ईजीएस की। एंड नाउ हम यहाँ पे इन द पब्लिक फोल्डर हम लोग एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं विद द टाइटल नंजक्स। अगेन मुझे इसमें स्टैटिक रिसोर्स के लिए बूटस्ट्रैप चाहिए तो आई यूज बूटस्ट्रैप की सीडीएन, ठीक है। बूटस्ट्रैप वर्जन वी हैव कंटेनर, ठीक है। अब मैं इस पेज को फाइनल रेंडर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे ऑलरेडी वैसे यहाँ पे हमने क्या नाम है इसको ईजीएस को इंस्टॉल कर रखा है, तो npm ईजीएस फर्स्ट। क्योंकि अगर आपने बेसिकली सी सपोज आप कोई ऐसी डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हो जिसको आप यूज़ नहीं करोगे तो एक्चुअली में ये आपके मॉड्यूल को उल्टा हैवी कर रहा है, क्योंकि जो आपका नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल फोल्डर होता है ना ये कभी भी सर्वर पे अपलोड नहीं होता। जैसे आप कोई भी होस्टिंग यूज़ करो, वीपीएस यूज़ करो या नॉन वीपीएस, तो जब भी आप वहाँ पे अपने पैकेज डॉट जेसन को डालते हो तो वहाँ पे आपको अपनी npm की मतलब इस npm के थ्रू स्क्रिप्ट को रन करना पड़ता है। ये स्क्रिप्ट क्या करती है, npm js से आपकी सारी के सारी डिपेंडेंसीज को लोड कर लेती है। तो जो जो यहाँ पे होगा वो सब डाउनलोड हो जाएगा आपका, जो नहीं यूज़ करना प्लीज़ उसको इंक्लूड ही मत करना। वन सेकेंड, ओके। तो नहीं तो आपकी ऐप हैवी हो जाएगी। नाउ यूज npm आई नंजक्स, ठीक है। सो नंजक्स इंस्टॉल और हमें नंजक्स को इंक्लूड करना है इन द ऐप। तो ये ईजीएस का था कोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड नंजक्स, तो नंजक्स को इंक्लूड किया और देन हमें इसको सेट करना पड़ेगा। सो नंजक्स इज अ रिच एंड पावरफुल टेम्पलेट इंजन फॉर जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का टेम्पलेट इंजन है, इज डेवलप्ड बाय मोजिला एंड इज मेंटेन बाय द नोड जेएस फाउंडेशन। तो दिस कैन बी यूज इन नोड एंड इसको आप ब्राउजर में इंस्टॉल करके भी यूज कर सकते हो, मीन्स आप इसको ऑन ब्राउजर पे भी चाहो तो यूज कर सकते हो। ये निंजा टू जो कि एक पाइथन का फेमस टेम्पलेट इंजन है उसी पे ऑलमोस्ट बेस्ड है। इट्स नॉट जिंजा, इट्स निंजा।
ठीक है, तो ये निंजा टू पे बेस्ड है। सो इट्स इंस्टॉल यूजिंग एन पी एम, इट्स फास्ट एंड इसका जो जिप साइज होता है वो बहुत लाइट वेट ही होता है आपका। द एडवांटेजेस आर इट्स रिच, इट्स फास्ट, इट्स एक्सेंसिबल एंड इट्स एवरीवेयर, मतलब ब्राउजर के बाहर भी इसका यूज कर सकते हो। तो यू नीड टू इंस्टॉल इट फर्स्ट एंड देन आपको उसके बाद क्या करना है, यू नीड टू कन्फिग इट। तो कन्फिगेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंजक्स को रिक्वायर देना पड़ेगा कि कन्फिग करके व्यू, और उसके बाद आपको रेंटर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कन्फिगेशन करने के लिए ये यूज करो। ओके सॉरी, ये विदाउट एक्सप्रेस वाला है, हमें एक्सप्रेस वाला यूज़ करना है, दिस वन। तो विद एक्सप्रेस ये कैसे यूज़ होगा, कुछ ऐसे है। तो हमने स्टैटिक पाथ डिज़ाइन किया, देन हमें इस वे में, इसमें एक ही होगा आपका, नंजक्स डॉट कन्फ्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस इज माई नंजक्स, और नंजक्स को हम यहाँ पे कन्फ्रिक करें, माई स्टैटिक रिसोर्सेज, हाँ ये रहा। तो हमने स्टैटिक रिसोर्स डिफाइन कर दिया, और यहाँ हमने कहा नंजक्स डॉट कन्फ्रिग पाथ डॉट रिजॉल्व, डायरेक्टरी नेम क्या हो मेरा, पब्लिक, ठीक है, जिसमें मेरी एक्सप्रेस इज माई ऐप, ऑटो स्केप ट्रू है, नॉन कैश भी फॉल्स है मेरा, और वॉच ट्रू है। वॉच ट्रू से क्या होता है, आप अपने टेम्पलेट में भी कंट्रोलर्स करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ठीक है, अगेन इसमें भी आपको रेंडर यूज करना पड़ता है, और यहाँ पे फाइल का नाम इंडेक्स डॉट, तो ये हेलो नंजक्स फाइल दे रहा है मुझे, बट मैंने ओके सी इस फाइल को ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा क्योंकि हमने इसका पाथ दे रखा है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेरी फाइल है, और उसमें नेम वगैरह हम लोगों ने दे रखे हैं, ठीक है। तो दिस इज माई हेलो नंजक्स। अब इसमें हम डेटा बाइंड करते हैं, तो सर्वर से डेटा क्या क्या ट्रांसफर हो रहा है मेरे पास, नेम एंड आईडी। तो नाउ नेम और आईडी को कैसे बाइंड करेंगे, इसमें नेम इज नेम, वन सेकेंड, नेम इज नेम, एक सेकेंड, पब्लिक, ओके, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ऐप डॉट गेट स्लैश, आई थिंक इसका काम नहीं कर रहा है, वन सेकेंड, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट, पब्लिक में कॉन्टैक्ट और इंडेक्स है मेरे की, ओके हम इसको व्यूज डायरेक्टरी जो कि पब्लिक में है उसमें पास कर देते हैं। इंडेक्स इज इन व्यूज, कॉन्टेक्ट भी व्यूज के अंदर है मेरा, एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे मेरा पब्लिक पाथ क्या आएगा, रिजॉल्व करके व्यूज, ओके, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नॉट फाउंड, क्योंकि ये इसको एस आर सी में ढूंढ रहा है, हमने इसको पाथ डॉट रिजॉल्व दे रखा है, नॉट फाउंड, ओके, पाथ डॉट रिजॉल्व, हमारा स्टैटिक पाथ कहाँ पे है, व्यूज का विद इन पब्लिक है, वन सेकेंड, पब्लिक स्लैश व्यूज, ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग। तो हमने क्या किया, अपने व्यूज को एक सेपरेट डायरेक्टरी में पास कर दिया इंडेक्स में, ठीक है। तो अब व्यूज नाम की डायरेक्टरी सिर्फ किसके, स्टैटिक रिसोर्स के लिए, और पब्लिक हमारे कंप्लीट स्टैटिक के लिए, लेकिन जो एच टी एम एल की फाइल्स होंगी वो सारी किसमें होंगी, इनसाइड व्यू, तो वो इनसाइड व्यू होंगी आपकी। तो सी एस आर सी पब्लिक मेरा क्या है, एक्सपर्ट डॉट स्टैटिक, और पब्लिक स्लैश व्यू क्या मेरे, ओनली व्यू इंजिन्स। तो सी ये इसको एज अ व्यू मान रहा है, और इसमें मेरा डेटा भी बाइंड हो रहा है। इन दोनों में से किसका सिंटैक्स ज्यादा इजी लग रहा है,
सिंटेक्स वाइज ज्यादा इजी कौन सा है? जक्स ननजक्स ओके, नंजेक्शन। ननजक्स का उनके लिए ज्यादा इजी है जिन्होंने कोई ऐसा टेम्पलेटिंग फ्रेमवर्क पढ़ रखा है जिसमें ये होता है, जैसे कि एंगुलर जेएस, एंगुलर व्यू वगैरह पढ़ रखा हो, एंगुलर में सर उनके लिए ये चीजें सेम होती है। तो इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मैक्सिमम एंगुलर डेवलपर या एंगुलर जेएस डेवलपर भी इसके साथ कंफर्टेबल होते हैं, इवन व्यू वाले भी, ठीक है? क्योंकि उसके लिए आपको लेस देन मॉडुलस, फिर इक्वल टू अलग होता है, हाइफन अलग होता है, तो वो थोड़ा सा अलग है ईजीएस आपका। बट अगर आप ईजीएस पे ही काम करोगे तो फिर ऑब्वियसली आपको फ्यूचर में वही ज्यादा अच्छा लगेगा। वो डिपेंड करता है, सबके अपने पर्सनल चॉइस है। ओके, सो विद यस। रिपोर्टिंग इसमें आपकी, तो जैसे इसमें मैंने एसआरसी लिया था, एसेट्स लिया, व्यूज, और इसमें पाथ डिफाइन कर दिया, ठीक है? डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर सबका अलग अलग हो सकता है। हम लोग इसमें बाइंड करेंगे डेटा, जैसे मैंने यहाँ से नेम और एक डेटा ऑब्जेक्ट भेजा, तो वो हमारे पेज पे व्यू हो जाएगा। डबल कर्ली ब्रैकेट इसके टेम्पलेट्स होते हैं। वी कैन इवन यूज फिल्टर, जैसे कि मैंने कहा दिस को एज अ टाइटल दिखाओ, तो ये इस नेम को कैसे दिखाएगा? टाइटल की तरह। तो जैसे ये मेरा नेम है, तो ऑब्वियसली नेम शुड बी द टाइटल, तो नेम क्या होना चाहिए? मेरा टाइटल। मैंने यहाँ पे इसको शॉर्टकट में लिखा, जैसे सपोज किसी यूजर का नाम आ रहा है, हेलो यूजर नाम, तो दैट शुड बी द टाइटल, तो नेम टाइटल में आया। तो इसमें फिल्टर, ये भी आपने एंगुलर जेएस में देखा होगा, इसको हम फिल्टर बोलते हैं, ठीक है? तो एंगुलर जेएस में टाइप लगा के हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिल्टर, ऑर्डर बाय, तो वो ये उन्हीं का यूज कर रहे हैं। तो नेम जो होगा वो टाइटल बन के आएगा, तो सी ये ऑटोमेटिकली कैप्स में आ जाएगा आपका, ठीक है? हम इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइन मेथड किसकी है? हमारी अरे की। तो दिस इज एन अरे, हमने कहा अरे को ज्वाइन करो हाइफन से, तो ये ज्वाइन करके प्रिंट कर देगा। अगर आपको यूजर नेम प्रिंट करना है, तो मैंने कहा यूजर रिप्लेस करके यूजर को किसी यूजर नेम से, तो इसमें आप अरे स्ट्रिंग की रिप्लेस मेथड का भी यूज कर सकते हो विद इन दिस। तो ये इसके बिल्ड इन फिल्टर्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। वी कैन यूज वेरिएबल्स, वी कैन यूज फिल्टर्स। टेम्पलेटिंग इसमें ज्यादा ईजी होती है क्योंकि इसमें आपको डॉट एच टी एम एल की ही फाइल के साथ काम करना पड़ता है, इसलिए मैं इसको ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ। इनसाइड इंडेक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी स्टैटिक फाइल को एच टी एम एल में ही रख सकते हैं। जैसे हेडर डॉट एच टी एम एल की ही फाइल है मेरी, और उसमें मेरे पास H1, हेलो ननजक्स, ठीक है? देन इन द नेक्स्ट फाइल वी हैव नैम डॉट एच टी एम एल, जिसमें वी हैव यूएल एल आई ठीक है। और लास्ट हम लोग व्यू बना लेते हैं किसका, फुटर डॉट एच टी एम एल। तो अगर आपने ऑलरेडी पेज बना रखा है तो बस इनको स्प्लिट कर देना। ठीक है, तो टेम्पलेटिंग करना इसमें बहुत सिंपल है। हाउ? लेट्स से वी हैव दिस कंटेनर, फर्स्ट हमारे पास हेडर है, सो हेडर विल इंक्लूड, तो हेडर में मुझे इंक्लूड किसको करना है, हेडर डॉट एच टी एम एल। तो हम इसमें सीधा मॉडुलस लगा के इंक्लूड का यूज करेंगे, जैसे ये रहा मेरा हेडर का लेस देन मॉडुलस फाइल नेम हेडर। इंक्लूड हेडर डॉट एच टी एम एल, वन सेकेंड। ओके, स्ट्रिंग्स में मॉडलेस इक्वल टू, अब क्या इशू आ रहा है? टैग नेम एक्सपेक्टेड, लेस देन मॉडलेस देन डबल कोट, ये सब व्यूज में ही है ना? ओके, इंक्लूड, ठीक है। तो हमने इसको इंक्लूड किया, तो फर्स्ट वी नीड टू इंक्लूड
हेडर, नेक्स्ट हमने इंक्लूड किया एनएवी को, और यहाँ पे पा दिया नैव डॉट, देन वी हैव पुट अ इंक्लूड करें किसे, पुट डॉट एचटीएमएल को। तो सी हमारे फाइनल पेज में दिस इज माय हेडर, दिस इज माय नेविगेशन बार, और ये मेरा क्या बन के आ रहा है, ये मेरा मेन है और ये मेरा कंटेंट है। तो हर पेज में सपोज आपका मेन अलग अलग है तो आप मेन को उसी पेज में रखो। सपोज जैसे आपको ई कॉमर्स का प्रोडक्ट पेज बनाना हो तो हेडर कॉमन रहेगा, नैव कॉमन रहेगा, फुटर कॉमन रहेगा, बस मेन के अंदर आपका कंटेंट जो होगा वो बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका टाइटल हेडिंग हर चीज को डायनेमिकली सेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेम ही वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था इंडेक्स पे, तो हर पेज के डेटा में नेम आना चाहिए था। तो हमने यहाँ से थ्रो क्या किया, नेम एंड आईडी। तो नेम यहाँ पे आना चाहिए, तो यूज़र का नाम, और प्लस यहाँ पे भी हेडर में भी नेम। ठीक है, और इसको टाइटल दिखाना आपको, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द टेम्पलेटिंग विद नंजक्स। दिस इज माय फाइनल पेज। अब इसमें लूप का यूज करते हैं। अगर आपके पास अरे या ऑब्जेक्ट है तो यू कैन यूज अ कॉमन लूप दैट इज फॉर इन। तो फॉर इन लूप दोनों के लिए होता है, अरे ऑब्जेक्ट के लिए। अरे के लिए आपके पास एक नया फॉर ऑफ लूप भी आ गया है इन ES6, तो फॉर इन की जगह फॉर ऑफ भी यूज कर सकते हो। फॉर ऑफ में और फॉर इन में क्या डिफरेंस है? लवी लवी, यस सर, फॉर ऑफ तो हमने यूज ही नहीं किया शायद, नहीं फॉर मैंने इन लिंक्डइन यूज पे किया है, आपको फॉर बहुत इन देखा था, यूज आप किया। ES6 के बहुत से कंटेंट ब्लॉग वगैरह सब्सक्राइब करती रहती हाँ हो, सर, तो मुझे लगा शायद फॉर नहीं सर, मतलब तो पढ़ा होगा हमने, मेरे को लग रहा है माइट बी कि मिस्टेक क्या होगा। ओके इट्स सेम जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में फॉर, तो आई ओपन माई जावा स्क्रिप्ट ब्लॉग, तो फॉर लूप हमारा अरेज में यूज होता है। तो अरे की मेथड है फॉर ऑफ लूप, तो इटरेट करने के लिए हम लोग एक्चुअल में अरे में क्या क्या यूज करते हैं, फॉर ईच जो कि नॉर्मल है, फॉर इन और फॉर ऑफ हमारा ES6 में आ गया। एक्चुअली है फॉर ईच ही जैसे कि, बट इसमें होता है क्या है, हम लोग ऑफ लगाते हैं। अब जब हम यहाँ पे इन लगाते हैं तो आई आता है आपका इंडेक्स, लेकिन जब हम लोग फॉर ऑफ यूज करते हैं तो आई एक्चुअल में सीधा एलिमेंट आ जाता है। इन शॉर्ट ये हमें फॉर ईच के फीचर्स को फॉर ऑफ में दे रहे हैं, फॉर लूप में दे रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन यूज यस सर, फॉर ऑफ लूप अगर आपको सिर्फ डेटा चाहिए, अगर इंडेक्स चाहिए देन यू कैन यूज फॉर इन। चलो इशू, इसमें जावा सिर्फ में इतनी सारी चीजें नो वन इज, आप एक्सपर्टाइज कभी नहीं हो पाते हो। ES6 तो इतना अभी भी अपडेट होता जाएगा, और बहुत सी चीजें ES6 में आज भी ऐसी हैं जो कि क्या कहते हैं ब्राउजर्स पे सपोर्ट नहीं की। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आई थिंक 6 मंथ पहले मैं, मतलब 1 साल पहले जब मैं ES6 पे काम कर रहा था, मतलब आई वॉज अपग्रेडिंग माई सेल्फ ES6 पे और ES7 की चीज़ों पे, 1 साल नहीं उससे पहले की बात होगी, लॉकडाउन से भी पहले की बात है। सो दैट टाइम उसमें मॉड्यूल्स का कंसेप्ट आया था ES6 में, मैंने मॉड्यूल्स पढ़े लेकिन मैं मॉड्यूल्स को ब्राउजर पर ट्राई ही नहीं कर पाया। रीज़न इज कि उस समय मॉड्यूल ब्राउजर पर सपोर्ट नहीं दे रहे थे, बट अब रिसेंटली 6 मंथ पहले ही उनकी ब्राउजर सपोर्ट शुरू हो गया, जबकि है वो ES6 का पार्ट है। तो ऐसे कई ऐसे भी हैं, मतलब जो बाद में क्रॉस ब्राउजर इश्यूज भी करती हैं, सब पे सपोर्ट नहीं करती, कुछ बहुत सी ऐसी एपीआई होती है हमारी। ओके सो यहाँ पे हमें अपने टेम्पलेट के लिए लूप का यूज करना है। यू कैन यूज फॉर इन फॉर ऑफ, जैसे कि मेरे पास मंथ हो तो आई कैन यूज एन ओवल, ठीक है, इन मंथ, तो मेक श्योर मेरे पास मंथ का डेटा होना चाहिए, या वी हैव मंथ, लेट्स सी। तो मंथ का डेटा किस में बाइंड हो जाएगा मेरा, ओवल में। सेम हमारे पास दूसरा डेटा क्या है, यूजर, तो यूजर का डेटा भी हम किस में बाइंड कर सकते हैं, आई एन जे बना के। तो यूजर का डेटा भी मेरा आ सकता है, तो इसमें मुझे
एक और लिस्ट ले ली मैंने, लेट्स से ये यूए ले लेता हूँ फॉर आई जे इन यूजर। तो ये यूजर है जिसका आई और जे की वैल्यू पे में आ जाएगा मुझे, ठीक। तो ये नेम और एज उसकी दे रहा है मुझे, मैंने प्रिंट यहाँ पे सिर्फ आई किया है एंड देन मैंने यूज किया ओके। तो दिस इज माई की, दिस इज माई वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर ऑफ यूज कर सकते हो कि नहीं? नहीं, इसमें फॉर ऑफ नहीं चलेगा। तो दैट मीन्स ये टेम्पलेट की लिमिटेशन है कि टेम्पलेट सिर्फ किसका यूज कर रहा है, फॉर इन का, ठीक है। तो टेम्पलेट जो है हमारा वो फॉर इन का ही यूज कर रहा है, तो हमें फॉर इन ही का यूज करना पड़ेगा। फॉर ऑफ ऑल दो ये सिक्स में होता है, जैसे कि ये रहा आपका, बट यहाँ पे नहीं चल रहा, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो वी कैन यूज इफ चेक करने के लिए, जैसे इफ नेम है तो उसको प्रिंट करो, अदरवाइज लीव इट। जैसे इफ वी हैव नेम, अगर नेम हो, लेट्स सी यहाँ पे नेम है, यस, सो प्रिंट कर देना उसको। तो सी वी गॉट द नेम, तो नेम प्रिंट कर देना, और अगर नेम है ही नहीं तो सी वो उसको प्रिंट भी नहीं करेगा। सिर्फ एल्स के लिए भी है, एलिफ। तो इफ नेम तो डेटा वन, एलिफ मीन्स एल्स इफ नहीं तो डेटा टू। तो एल्स के लिए, एल्स इफ के लिए वी हैव दिस, और ये मेरा एंड इफ है। वैसे ही एल्स के लिए ओनली एल्स भी इसमें होता है। वी कैन यूज मैथ्स ऑपरेटर, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, रेज टू पावर, डबल एस्ट्रिक से, कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड ऑल दैट। तो ये इसके ऑपरेटर्स भी होते हैं जो हम इसमें मैथ्स ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। मीन्स हम अपने टेम्पलेट पे ही ये सारे काम कर सकते हैं। सो आज के लिए मैं आप लोगों को टास्क भी दे रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, कोई स्टैटिक टेम्पलेट उठा लेना है, जैसे बूटस्ट्रैप का या कोई भी, या कोई आपका एचटीएमएल का पीएचडी टू एचटीएमएल पेज कन्वर्ट कर रखा हो, तो आपको उसको एक फाइनल अलग अलग स्प्लिट करके हेडर अलग कर दो, नैव अलग कर दो, फोटो अलग कर दो, और मेन सबका इंडिविजुअल रखो। तो अब यहाँ पे मैंने सिर्फ रूट पे गेट पे काम किया है, आप इसी को और बाकी पेजेस के साथ भी सेंड करोगे। जैसे ये तो मेरा रूट पेज है, तो रूट पेज पे सिर्फ आपका हेलो नेम आ जाए, उसके बाद आप ऐप डॉट गेट का यूज़ कर लो। जैसे कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में स्लैश लिख दो ये वाले फ़ोन का नाम, तो उस पेज पे आपका उसी का ही डेटा आना चाहिए। तो स्टैटिक रिसोर्स आपके इंक्लूड होके आएंगे, जैसे कि हमने इसमें यूज़ कर रखा है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए इसका टास्क है। तो यूज एनी टेम्पलेट इंजन जो आपको कंफर्टेबल हो, दोनों में से आप किसी पे भी काम कर सकते हो। ओके, सो एनी क्वेश्चन?